गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स बेटा, इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट पढ़ेंगे। जो हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट है, थ्री टाइप्स का होता है, स्टोकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट फिर से डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ओनली वन टाइप का डिफेक्ट होता है। यही बता देती हूँ, लिखा है सम एक्सटर्नल इम्प्योरिटी इज मिक्स, यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है उसमें जो कुछ भी बाहर से आकर के इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती है उसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वन सेकेंड टू टाइप्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब पढ़ते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दोज कंपाउंड शो इन विच द नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर एग्जैक्टली इन द रेशियो। कॉमन लैंग्वेज में कहें तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है ये इस तरीके का डिफेक्ट है जिस कंपाउंड में हमारा कटायन यानी कि पॉजिटिव एंड अनायन मतलब नेगेटिव, इनका रेशियो एग्जैक्ट फॉर्म में होता है, क्या कहलाता है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। स्टोकियोमेट्रिक का फर्स्ट पॉइंट आ जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट प्रोड्यूस ए होल व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजिशंस। यानी कि इस तरीके के डिफेक्ट में क्या होता है, जब हमारे इक्वल नंबर के कटायन एंड अनायन मिस हो जाते हैं अपनी रेस्पेक्टिव पोजिशन से, क्या कहलाता है, शॉर्ट के डिफेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को डायग्राम बना रखा है, कोई हमारा क्रिस्टल है जो ए बी से मिलकर बना है, यहाँ से मैंने बी पॉजिटिव मिस हो गया यानी कि कटायन, एंड यहाँ से मिस हो गया अनायन ए नेगेटिव, ये किसका एग्जांपल है, शॉर्ट के डिफेक्ट है। इसी में कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो शॉर्ट के डिफेक्ट के होते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। जो शॉर्ट की डिफेक्ट है उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से वैकेंसी हो चुकी है, यहाँ पे होल बन चुका है यानी कि जगह खाली हो चुकी है, तो कौन सा डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट है। सेकंड पॉइंट देखिए, इन दिस डिफेक्ट कटायन एंड अनायन शुड नॉट डिफर मच इन साइज, यानी कि जो ये कटायन और अनायन है इनके साइज में कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। थर्ड आता है, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयंस शुड बी हाई, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कैसा होता है, हाई होता है। एग्जांपल है NaCl, AgBr, KCl एंड CsCl। नेक्स्ट डिफेक्ट हमारा आ जाता है, इससे पहले हम इसके कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है इसके क्या नतीजे रहे, क्या रिजल्ट रहा जब हमने शॉर्ट के डिफेक्ट को किया। सबसे फर्स्ट आता है इसका नेचर, किस तरीके के कंपाउंड में होता है, आयनिक सॉलिड कंपाउंड में होता है। बात आती है डेंसिटी, डिक्रीज ऑफ क्रिस्टल, यानी कि बात आई कि इसकी डेंसिटी जो है डिक्रीज हुई क्रिस्टल की, तो क्यों हुई, क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस वाले डायग्राम को, तो यहाँ से जो आयंस मिस हुए हैं वो मिस हो चुके हैं, ये नहीं कि वो मिस पर फिर से वापस आ गए, तो इसलिए मिस होने से क्या होगा, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसी में हमारा नेक्स्ट आता है साइज। अब मैं लास्ट बता चुकी थी आप लोगों को, जो कटायन एंड अनायन होते हैं उनके साइज में कोई डिफरेंट नहीं होता, तो साइज ऑफ इक्वल साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कैसा होता है, इसका हाई होता है बिकॉज नेगेटिव चार्ज लार्ज, इनका जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। अगर हम देखें तो ये इस तरीके से बना होता है पॉजिटिव, और इसके चारों तरफ हमारे क्या आ जाते हैं, अनायन आ जाते हैं ऐसे, इस तरीके से अगर हम यहाँ लगा दें तो ये ऐसे क्या आ जाते हैं, हमारे अनायंस आ जाते हैं। ये देखिए, शायद आप लोगों का डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा इस लाइन का मीन्स क्या है, कि इनका जो नेगेटिव चार्ज है वो लार्ज क्यों होता है, या फिर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई क्यों होता है। एक पॉजिटिव चार्ज के चारों साइड क्या लगे हैं, नेगेटिव आयंस लगे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है, हाई होता है। सेकेंड आ जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल क्या कहता है,
दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट मिसिंग ऑफ कटायन एंड अनायंस अनइक्वल नंबर, यानी कि इसमें कटायन और अनायन मिस तो होते हैं बट अनइक्वल नंबर में मिस होते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड होल इन द लैटिस साइड, होल भी यहाँ क्रिएट हो जाता है बट कौन सी पोजिशन पर, लैटिस पोजिशन पर। अगर और पीछे अगर हम यहाँ देखें जो शोथ के डिफेक्ट में हमारा होल क्रिएट हुआ था, कहाँ हुआ था, वो रेस्पेक्टिव पोजिशन पर हुआ था। ये रेस्पेक्टिव पोजिशन पर हो जाता और ये हमारा लैटिस साइड पर हो जाता। इसी की दूसरी डेफिनेशन अगर देखें, छोटी सी डेफिनेशन है, व्हेन कटायन एंड अनायंस ऑक्यूपाई इंटरस्टियल साइट इन लैटिस इज कॉल्ड फ्रंकल डिफेक्ट। यानी कि कटायन अनायन मिस हो जाते हैं लेकिन ऑक्यूपाई हो जाते हैं कहाँ, इंटरस्टियल साइट पर, तो क्या कहलाता है, फ्रंकल डिफेक्ट कहलाता है। अब हम इसके डाइग्राम को समझेंगे। ये कोई हमारा क्रिस्टल है ए वी ए का। अभी मैंने बताया था कि इसमें अनइक्वल नंबर के कटायन मिस होते हैं या अनायन मिस होते हैं। यहाँ हमारा जो मिस हुआ है ओनली एक कटायन मिस हुआ है, कटायन मिस तो हुआ लेकिन वो जा कर के इंडस्ट्रियल साइट पर जुड़ चुका है, यहाँ से प्रॉपर होल नहीं बना, होल बनेगा लेकिन आयन जहाँ से हटा वो वहीं के वहीं कहीं और जा कर के जुड़ जाता है। इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रंकल डिफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल हैं AgCl, AgBr, AgIn, ZnS। इसके भी कॉन्सिक्वेंस हैं, इसके क्या नतीजे रहे जब फ्रंकल डिफेक्ट हमने पढ़ा। नेचर कैसा होता है, आयनिक सॉलिड होता है, डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी क्या होती है, सेम रहती है। मैंने रीजन भी लिख दिया, बिकॉज आयन मिसिंग बट एट लैटिस साइड, अनायन या आयन जो भी है हमारा कटायन है कि अनायन है, मिस तो हो जाता है पर वो ऐड हो जाता है कहाँ, लैटिस साइड पर। ये देखिए डायग्राम, यहाँ से ये हमारा आयन तो हटा है, यहाँ से तो होल कर गया लेकिन वो कहाँ जा कर के जुड़ गया, लैटिस साइड पर जा कर के जुड़ गया। इसलिए हम इसकी डेंसिटी को क्या कहते हैं, इसकी डेंसिटी रिमेन सेम होती है। बात आती है साइज की, इसका साइज कैसा होता है, लो होता है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल, पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अनायन कैसा होता है, ग्रेटर देन होता है। कटायन वर्ड अरेंज इन इंडस्ट्रियल साइट, जो कटायन वर्ड्स हैं वो कहाँ अरेंज हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल साइट पर अरेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को AgCl, AgBr, AgI, ZnS सारे एग्जाम्पल बताए हैं, बट जो AgBr है वो एक्सेप्शन में आता है क्योंकि AgBr दोनों ही डिफेक्ट दिखाता है, फ्रंकल भी दिखाता है एंड शॉर्ट की भी दिखाता है। इसके बाद एक वर्ड आया था कि फ्रंकल से पहले जब शॉर्ट की, मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट की डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं, तो इसी वीडियो में वैकेंसी डिफेक्ट भी एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट। When in ionic solid same of lattice side are vacant is called vacancy defect। जब हमारे ionic solids same of lattice side, यानी कि lattice sides पे vacant हो जाते हैं, वहाँ से जगह खाली कर देते हैं, क्या कहलाता है, vacancy defect कहलाता है। ये डायग्राम में देखिए, ये कोई हमारे क्रिस्टल हैं जो जुड़े हुए हैं, यहाँ से आयन क्या हो चुका है, मिस हो चुका है और यहाँ क्या बन गया, होल बन गया। होल का मतलब क्या होता है, वैकेंसी होता है, तो क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। इसके कुछ पॉइंट्स है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बच्चों उन्हीं की डेंसिटी डिक्रीज होती है जहाँ से आयन मिस हो जाते हैं, यानी कि वहाँ होल बन जाता है तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये वैकेंसी डिफेक्ट हमेशा से हमें नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलेगा, यानी कि जो आयनिक फॉर्म में ना टूट पाए उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड बोलते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और नई वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफेक्ट के नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ेंगे और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे।